Sige. NCERT क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सर्वश्रमिकाएं सिद्ध करें जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका रोमन नंबर 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन 10 में मैं मात्र पहले सवाल की मैं बात कर रहा हूं, लिखा हुआ है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा के द होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा को क्या करनी है, प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बनाने से पहले मैं दो तीन फॉर्मूला की मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ट्राइगोनोमेट्री का कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसको आपको सबसे पहले आपको मालूम करना बहुत ही एसेंशियल मानी जाती है। एक पहला फॉर्मूला जो माना जाता है जिसको आप कहते हैं cosec थीटा। cosec थीटा के तो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन मैं एक्सरसाइज 8.4 की मैं बात कर रहा हूं कि इस प्रश्न में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, मैं उसी फॉर्मूला पर मैं सिर्फ बात करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये लिखा हुआ है cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा, यानी इसको बोला जाता है 1 बटा sin थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम है cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। और तीसरा का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला यह भी मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर होता है एक अलजेब्रिक का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इस फॉर्मूला की सहायता से मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसका LHS में मैं बात करता हूं। तो LHS लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा के द होल स्क्वायर और हमको सिद्ध क्या करनी है 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। तो सबसे पहले मैं इसको बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ है cosec थीटा, यानी cosec थीटा का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो कि cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sin थीटा यानी 1 बटा sin थीटा। मैंने क्या किया कि cosec थीटा का फॉर्मूला लिख दिया 1 / sin थीटा, माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। अब कहता है cot थीटा, अब cot थीटा का फॉर्मूला आपको शायद मालूम होनी चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है cos थीटा बटा sin थीटा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इन दोनों का मैं LCM निकालता हूं यानी लघुत्तम निकालता हूं। तो sin थीटा और sin थीटा का LCM निकालते हैं तो हो जाता है sin थीटा। sin थीटा में sin थीटा से डिवाइड करोगे तो एक मद में कटेगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इधर देख सकते हो। sin थीटा में मैं sin थीटा से मैं भाग करूंगा तो कितना मद में कटेगा, एक मद में, यही एक गुणा करेगा इसके ऊपर वाले 1 से, यानी sin थीटा में sin थीटा से भाग करेंगे तो एक मद में, यही एक गुणा करेगा ऊपर वाले 1 से तो हो जाएगा 1, किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है। अब ये sin थीटा में sin थीटा से भाग करेंगे तो एक मद में, यही एक गुणा करेगा ऊपर वाले cos थीटा से तो हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इसके अगला स्टेप इसका क्या होता है कि मैं सबसे पहले मैं ये स्क्वायर जो दिया हुआ है ये स्क्वायर मैं दोनों पर दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आप जानते हो कि 3/4 प्लस 8/4 घेर कर ऐसा कहीं दे देता है तो आप समझो कि स्क्वायर इसके लिए भी काम करता है और स्क्वायर इसके लिए भी काम करता है, यानी दोनों पर मैं स्क्वायर लगा देता हूं। ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा और एक स्क्वायर sin थीटा पर भी लगेगा। तो जब इस पे स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा के द होल स्क्वायर बटा sin स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने पहला जो आपका प्रश्न जो दे रहा हुआ है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा के द होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, यानी आपको इतना LHS बराबर RHS लानी है।
तो कोसेक थीटा का मैंने फॉर्मूला लिख दिया 1 बाई साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब ये दोनों का एलसीएम निकालोगे, साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे तो एक मर्द में यही एक गुणा करेगा ऊपर वाला एक से तो हो जाएगा वन, इसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, और फिर साइन थीटा से भाग करेंगे तो एक मर्द में यही एक गुणा करेगा ऊपर वाले कॉस थीटा से तो हो जाएगा कॉस थीटा, घेर कर मिलिए पर इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या कहता है कि मैं इस पे भी दे देता हूं और स्क्वायर इस पे भी लगा दे रहा हूं, स्क्वायर इस पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा के द होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूं, वन माइनस ये इसका बेस है ये इसका आधार है, तो आप जानते हैं वन माइनस कॉस थीटा के द होल स्क्वायर लिखा हुआ है यानी वन माइनस कॉस थीटा के पावर दो है, मैं इसको दो बार लिखूंगा क्योंकि पावर दो है, अगर पावर तीन रहता तो वन माइनस कॉस थीटा को मैं तीन बार लिखता, लेकिन बट यहां पर पावर कितनी है दो है, इसलिए मैं वन माइनस कॉस थीटा को मैं कितनी बार लिखूंगा दो बार लिखूंगा दो बार। और उसके बाद इसका फॉर्मूला आप यू नो ऑलरेडी, आपको मैं बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये जैसा है वैसा ही मैं लिख दे रहा हूं, वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा बट्टा, अब यहां पर क्या छिपा हुआ है स्क्वायर, आप ऑलरेडी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का मान है और ये बी का मान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी एक बार मैं क्या करता हूं देखो ए का मान यहां पर कितनी है वन, उसके पावर कितनी है स्क्वायर, किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, बी का मान बताइए इस फॉर्मूला पर आपको फॉलो करनी है, तो ए का मान कितना है वन, वन स्क्वायर उंगलिया पर कितना है तो स्क्वायर किसका चिन्ह है माइनस, और वी का वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, इसका पावर कितना है दो है, उसके बाद किसका चिन्ह है बराबर, तो मैं यहाँ पर बराबर में दे दे रहा हूँ। उसके बाद कहता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद कहता है ए का मान, ए का वैल्यू कितनी है वन, वन किसका चिन्ह है प्लस, उसके बाद कहता है बी का मान, बी का मान वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस थीटा, उसके बाद फिर क्या कर रहा है ब्रैकेट, फिर कहता है कि ए का मान, ए का वैल्यू कितनी है वन किसका चिन्ह है माइनस, फिर कहता है वी का वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस थीटा, यानी आपको क्या करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, अगर इसको फाइंड करता हूं एक में एक से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक स्क्वायर, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, अब कॉस थीटा में कॉस थीटा गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या देख रहे हो वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस का cos theta has been cancelled, यानी तो कितना बच गया वन माइनस cos theta बट वन प्लस cos theta, ये आपका हुआ proved।